हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑलवेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक वीडियो देखेंगे जो कि जीएमएडब्ल्यू प्रोसेस के बारे में होगा। जीएमएडब्ल्यू प्रोसेस में सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है, स्टिकआउट डिस्टेंस क्या होता है, ये सब हम लोग आज ये वीडियो में देखेंगे। स्टिकआउट और सेटबैक डिस्टेंस कम होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आता है और जीएमएडब्ल्यू प्रोसेस कैसे वर्क करती है, उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, ये आज ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसे कि ये जेएमएडब्ल्यू टॉर्च की डिज़ाइन है, उसमें कॉन्टैक्ट टिप, गैस डिफ्यूज़र, नोजल, कंडक्टर ट्यूब, हैंगर, गन हाउसिंग, ट्रिगर, केबल टू कनेक्टर ट्यूब कनेक्शन, ट्रिगर लीड्स, ब्रेडेड कॉपर वायर जो कि पावर सप्लाई देती है, और पावर केबल इंसुलेशन यानी कि शॉक प्रूफ या वर्क सेफली करने के लिए उसमें उसके ऊपर इंसुलेशन यानी कि ग्रिफ होती है। तो इसी तरह से केबल का या जीएमएडब्ल्यू टॉर्च का डिज़ाइन होता है। अभी हम लोग जीएमएडब्ल्यू प्रोसेस कैसे वर्क करती है ये आप ये इमेज में देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ड्रॉपलेट्स देख रहे हैं, जैसे कि वेल्डिंग आप स्टार्ट करते हो तो आर्क जनरेट होके नीचे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में मेटल डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पे ये ड्रॉपलेट्स आप देख सकते हो। दूसरा, ये जो वेल्डिंग वायर है जिसमें से ड्रॉपलेट्स जनरेट होती है और वेल्डिंग होती है। थर्ड है कॉन्टैक्ट टिप, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट टिप में से वायर पास होता है। दूसरा है नोज़ल, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कट में दिख रहा है कि नोज़ल जो गैस को एक डायरेक्शन देता है तो एक नोज़ल दिख रहा है। फिर जीएमएडब्ल्यू की ये जो टॉर्च है उसके ऊपर एक ट्रिगर दिख रहा है कि ट्रिगर आप दबाने से वेल्डिंग स्टार्ट या आप वेल्डिंग बंद कर सकते हो। जब आप जीएमएडब्ल्यू प्रोसेस में वर्क करते हो तो टॉर्च का एंगल, स्टिकआउट डिस्टेंस, सेटबैक डिस्टेंस और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, ये तीन चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले वेल्डिंग डिफेक्ट्स ये सब चीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि स्टिकआउट डिस्टेंस और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस कम या ज़्यादा होने से क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो हम लोग ने डिज़ाइन में गैस की नोज़ल देखी, यहाँ पे आप गैस की नोज़ल देख सकते हो। येलो कलर में कॉन्टैक्ट टिप देख सकते हो और कॉन्टैक्ट टिप में से ब्लू कलर की कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यानी कि एक कंटिन्यूस वायर जो कि जिससे वेल्डिंग होती है वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अभी बात आती है कि जब आप वेल्डिंग करते हो तो सही कॉन्टैक्ट टिप डिस्टेंस, सेटबैक डिस्टेंस सेट करना, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस सेट करना और स्टिकआउट डिस्टेंस सेट करना ज़रूरी होता है। लेकिन उसके पहले स्टैंड ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है और स्टिकआउट डिस्टेंस क्या होता है ये अभी हम लोग देखेंगे। कॉन्टैक्ट टिप सेटबैक डिस्टेंस यानी कि कॉन्टैक्ट टिप एंड और नोजल एंड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कॉन्टैक्ट टिप सेटबैक डिस्टेंस बोला जाता है। कॉन्टैक्ट टिप सेटबैक डिस्टेंस 5 mm तक आप रख सकते हो। अगर कॉन्टैक्ट टिप डिस्टेंस कम है यानी कि 1 mm है या नोजल एंड के बराबर है तो उसमें ओवरहीटिंग की वजह से स्पैटर चिपक जाएंगे और दूसरा प्रॉब्लम वायर उसमें बार बार फंस सकती है। अभी हम लोग देखेंगे स्टैंड ऑफ डिस्टेंस और स्टिकआउट डिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि स्टैंड ऑफ डिस्टेंस जो आपकी नोजल एंड है और वर्क प्लेस है इसके बीच वाले डिस्टेंस को स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बोला जाता है, वो आप 10 से 15 mm तक सेट कर सकते हो। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस अगर ज़्यादा हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका स्टिकआउट डिस्टेंस बढ़ जाएगा और उसकी वजह से हाई स्पैटरिंग, वेल्डिंग में कॉन्वेक्सिटी आना, अनइवन बीड आना, ये सब प्रॉब्लम स्टैंड ऑफ डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फेस करने पड़ सकते हैं। अभी नेक्स्ट है स्टिकआउट डिस्टेंस। स्टिकआउट डिस्टेंस यानी कि नोजल एंड और जो जहाँ से आर्क स्टार्ट होती है वो डिस्टेंस है एक्चुअल में स्टिकआउट डिस्टेंस। तो स्टिकआउट डिस्टेंस भी आपका 10 से 12 mm तक आप मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, स्टिकआउट डिस्टेंस क्या होता है और उसमें कितना mm तक प्रैक्टिकली आप मेंटेन कर सकते हो, तो इसी तरह से आप परफेक्ट स्टिकआउट, स्टैंड ऑफ और सेटबैक डिस्टेंस रख के सक्सेसफुल जीएमएडब्ल्यू वेल्डिंग कर सकते हो।